अवन भाइयों, ये जो सामने आप कटाई देख रहे हो अमरूद की, ये कोई नई टेक्निक नहीं है। ये बिल्कुल बाग को हटाने की तैयारी चल रही है और पौधों की कटाई शुरू हो गई है। किसान को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है। मंडी लेके जाता है तो 5 रुपये किलो माल बिक रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं है किसान के। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इनमें, उसके बाद भाव मिलते हैं 5 रुपये केजी। वो ठेकेदार भी बगीचा का ठेके लेता है तो 100 रुपये प्लांट लगाता है, एक पौधे का 100 रुपये प्लांट के हिसाब से बिक रहा है। अब एक प्लांट में 40 से 50 केजी माल निकलता है, उसके किसान को दे रहा है 100 रुपये एक पौधे के। और आगे जाके यही अमरूद दिल्ली या बड़े शहरों में जाता है तो थैले पे इसका भाव मिलता है 50 से 60 रुपये किलो। कोई भी ख़रीदता है तो उसको 60 रुपये किलो मिलता है और यहाँ से बिकता है 5 रुपये केजी में। और अगर किसान खुद ले जाता है बाहर तो उसका गाड़ी का किराया कम से कम 18-20 हज़ार रुपये किराया लग जाता है गाड़ी का, जाने का खर्च है ये तो। उसके अलावा अड़त भी है और वहाँ पे भाव भी, वहाँ भी 200 से 250 रुपये कैरेट बिक रहा है। अभी तो फल लगे हुए हैं इनमें, इस वजह से किसान रुके हुए हैं। गर्मियों में ये फसल ख़त्म होने के बाद में सवाई माधोपुर में बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे बागों की कटाई होना निश्चित है, क्योंकि किसान मायूस है, बिल्कुल परेशान है। इस कारण या तो अमरूद का विकल्प ढूंढना पड़ेगा, इसकी जगह कोई अन्य फलदार पौधे लगाओ, या फिर गेहूं और सरसों, वो भी ठीक रहेगा इससे अच्छा तो। इसके कई कारण हैं भाव डाउन होने के, क्योंकि एक तो यहाँ पे सवाई माधोपुर में इतने बड़े क्षेत्र में अमरूद की खेती होती है, पर इसके लिए यहाँ पे कोई बड़ी मंडी नहीं है। जो मंडी है छोटी है, उसमें 10-15 गाड़ी माल आता है, ज़्यादा नहीं आता है। एक कारण तो ये हुआ, यहाँ पे बड़ी मंडी हो अगर तो व्यापारी सब खरीदार यहाँ लेने आए माल को, तो किसान को अच्छा रेट मिल पाए। और एक कारण हो रहा है यहाँ पे, अगर एक प्लांट भी सवाई माधोपुर में, पूरे माधोपुर में एक भी प्लांट नहीं है यहाँ पे। फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लग जाए यहाँ पे तो अमरूदों की थोड़ा भाव सुधर सकता है, या डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाए, रेट बढ़ जा सकते हैं। ना गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है, तो दोस्तों ये अपडेट थी। धन्यवाद।